हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 16.6 और iOS 17 में हम लाइव वॉलपेपर्स को कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो iOS 16.6 में लाइव वॉलपेपर्स और iOS 17 के लाइव वॉलपेपर्स में क्या डिफरेंस है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो, इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने iPhone 13 को और दूसरी तरफ है iPhone XR। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका अपडेट क्या है। iOS वर्जन 16.6 है और iOS 17 है iPhone XR के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नए लाइव वॉलपेपर्स के बारे में। सबसे पहले आप देख सकते हो वॉलपेपर्स के ऊपर ऑप्शन के ऊपर आपने टैप करना है, ऐड न्यू वॉलपेपर के ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पर iOS 17 में आपको ये जो नई वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं लाइव वॉलपेपर्स iOS 17 के, बट यहाँ पर 16.6 में एक ही लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यह है प्राइड के सेक्शन में लाइव वॉलपेपर और यह है आपको कैलिडोस्कोप के नए वॉलपेपर्स जो कि लाइव एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं आपको iOS 17 के इस नए अपडेट में। तो आपको यहाँ पर ऐड बटन के ऊपर टैप करके इन दोनों को आपने सेटअप कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका लुक आपको देखने को मिल रहा है। iOS 17 में आपको ब्लू कलर का वॉलपेपर देखने को मिलेगा और iOS 16.6 में आपको ये वाइट कलर में प्राइड का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। दोनों ही एनिमेशन आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव एनिमेशन। जैसे यहाँ पर आप स्वाइप करोगे आप देख सकते हो आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन आपको प्रोवाइड करते हैं ये वॉलपेपर्स कुछ इस तरह से, और iOS 16.6 में कुछ इस तरह की एनिमेशन है। तो आपको कैसे लगे ये लाइव वॉलपेपर्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।